हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर फॉर यू। आज का मेरा टॉपिक प्लांट है ओलियंडर, जिसे कैनेर भी कहते हैं। बहुत कॉमन प्लांट है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस प्लांट को नहीं जानता होगा। बहुत इजी ग्रो प्लांट है, पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल और बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम अच्छा शेप दे दें, अच्छा लोकेशन दे दें, अच्छा पॉट दे दें, अच्छे से केयर करें, तो बहुत खास बन जाता है। उनमें से ही एक ये प्लांट कनेर है, जिसे अगर हम बहुत अच्छे से लगाएं तो ये बहुत अच्छा फ्लावर देता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक फ्लावर देता है। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी आजकल आ गए हैं, ड्रॉप वैरायटी में भी ये आ गया है। ये देसी वाला कनेर है। ये देसी वाले कनेर में भी आजकल बहुत सारे कलर आ गए हैं, जैसे एक ऑरेंज में होता है, लाइट येलो होता है। ये बिल्कुल बेसिक वाला, सबसे पहले ये इसी कनेर को लोग जानते थे। भोले बाबा का ये पसंदीदा फूल होता है। ये देखिए, मेरे पास ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया है, 4-5 साल पुराना हो चुका है। इसकी जड़ें आप देख रहे हैं कितनी मोटी हो गई हैं। ये देखिए, बहुत इजी मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है, आपको इसको बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती है। फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं इसमें। वैसे तो ये प्लांट बिल्कुल केयर नहीं मांगता है, ज़्यादातर ये आप इसे ज़मीन में लगे हुए ही देखे होंगे, लेकिन अगर इसे पॉट में हम लगा दें, थोड़े बहुत केयर कर दें, तो ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग देता है। अगर थोड़े ये प्लांट बड़े हो जाए तो आप इसे इस तरह से सजा भी सकते हैं, छोटे 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 हैंगिंग चीज़ें लगा करके, जैसे इसमें मैंने ये चिड़िया के लिए बना रखा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके ब्रांचेज बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए आप 3-4 ब्रांच को एक साथ मिला करके और एक बंच जैसे भी बना सकते हैं। जैसे इस तरह से आप इस तरह से मिला लें और उसके बाद उसको ऐसे लटका दें और उसके बाद उसको प्रूनिंग करते रहें, तो एक बहुत सुंदर बॉल जैसा शेप ले लेता है। ये पूरे साल फ्लावर देने वाला प्लांट है। सिर्फ ये बहुत ज़्यादा विंटर होता है तब इसके फ्लावर जो है कम हो जाते हैं और थोड़े छोटे हो जाते हैं। बारिश के मौसम में ये फ्लावर इसके काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। अभी देख रहे हैं आप, ये बारिश का मौसम ख़त्म हो रहा है, इस वजह से इसके फ्लावर थोड़े छोटे हो रहे हैं। और काफ़ी जब गर्मी पड़ती है उस समय भी थोड़े से फ्लावर इसके छोटे हो जाते हैं और कलर फेड हो जाता है, वरना ये फ्लावर पूरे साल बहुत अच्छे से चलता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसकी पत्तियाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल पतली पतली पॉइंटेड होती हैं और देखने में बहुत ये रफ लग रहा है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी हार्ड दिख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये। कीड़े कभी कभी थोड़े बहुत हल्के फुल्के लगने का चांस होता है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत छिड़काव जो भी आप दूसरे प्लांट को करते हैं वो इसमें भी कर सकते हैं। ये प्लांट को कटिंग से बहुत इजीली लगाया जा सकता है। अगर छोटे से भी आप कटिंग को ऐसे तोड़ के पत्तियों को हटा करके आप लगा देंगे तो बहुत आसानी से लग जाता है। वैसे इसमें सीड पॉट भी बनता है, देखिए छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये पक जाते हैं, पक जाने के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है और इसको भी इसके अंदर सीड होता है, जो आप इसे खोल करके आप लगा देंगे तो भी लग जाता है। आप कहीं भी देखे होंगे कि अपने आप ये प्लांट निकल जाता है, कारण यही होता है कि ये ऐसे गिरते रहते हैं, इसके नए नए प्लांट जो है मौसम अच्छा होने पर अपने आप लग जाते हैं। जैसे इसको देखिए, ये अपने आप बीज से गिर करके अपने आप ही लगा है, तो ये प्लांट अभी बहुत छोटा है। इस प्लांट को अगर हम अच्छा शेप देना चाहते हैं तो इसे हमें स्टार्टिंग से ही इसे अच्छा शेप देना पड़ता है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो अगर हम छोटे में ही इसको शेप देना शुरू कर दें, जो शेप हम डिसाइड करते हैं वो ही शेप देना चाहिए, क्योंकि अगर हम देर करते हैं तो इसकी ब्रांच जो है काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं और फिर आप जो है नीचे से शेप नहीं दे पाएंगे इसको। जैसे देखिए, मैं इसको अभी से करूँगी तो मैं इसको छोटा हाइट रखूँगी, जितना छोटा अभी कर दूँगी उतना अच्छा ये हो जाएगा। तो देखिए, सिर्फ यहाँ से इतना मैं रहने दे रही हूँ, 2 पत्तियों को रहने दे रही हूँ, बाकी सब यहाँ से ऐसे काट दूँगी। आप चाहें तो इसको भी लगा देंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। कुछ पत्तियां हटा करके मैं इसको फिर लगा ही देती हूँ।
ये देखिए कुछ नहीं करना है इसको, इसकी पत्तियाँ इतनी मैंने हटा दी है, और इतना ऐसे इस तरह से ब्रांच को लेकर के पतला सा इसको लगा देंगे तो भी ये लग जाएगा। और ये वाला प्लांट बिल्कुल बुशी हो जाएगा ये। अब जैसे ये प्लांट को आप देख रहे हैं, ये इसकी डंडियाँ देखिए कितनी लंबी लंबी हो गई हैं, और पौधा बहुत छोटा है। ये नर्सरी से लिया हुआ प्लांट है, ये दूसरे टाइप का वैरायटी है जो रोज़ जैसा खिलता है कनेर, और इसकी पत्तियाँ जो है थोड़ी मोटी और लंबी होती हैं दूसरे वाले कनेर से, ये देसी वाले। क्योंकि ये प्लांट जो है समर का प्लांट है, ज़्यादातर जहाँ पर मिट्टी जो होती है भुरभुरी होती है, सैंड वाली मिट्टी होती है, वहीं पर ये प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है। इस वजह से इसकी पत्तियाँ जो है इसकी ऐसी मोटी और लेदरी हैं। इस प्लांट को सेप देने के लिए थोड़ा लेट हो गया है, जैसे देखिए यहाँ से प्लांट को कटिंग किया हुआ है, तो इसकी अगर लेट से आप कटिंग करते हैं तो ये ब्रांच देखिए कितनी लंबी निकल गई है। ये देखिए इसमें हमें और पहले कटिंग करनी चाहिए थी, जैसे मैंने अभी जो दिखाया प्लांट उसमें कटिंग का टाइम ये सही था, ये कटिंग करने के लिए लेट हो गया है। अब जो ये अगर हम इसको कटिंग और नीचे से कर देंगे एक बार, और फिर से यहीं से एक लंबी ब्रांच निकल जाएगी, तो हमें पहले छोटे ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए हमें छोटे प्लांट में ही कटिंग करके इसको तैयार करनी चाहिए। अब मैं जो कटिंग करूँगी तो ये प्लांट मेरा मैक्सिमम इसी साइज का तैयार होगा। अब जैसे इसी प्लांट को मुझे बड़ा करना था तो ये बिल्कुल ट्री के लुक में देना था, तो मैंने इसे लेट से इसको प्रून किया और लेट से इसकी ब्रांचेस हटाई, तो इस वजह से ये इतना बड़ा शेप ले लिया जितना मुझे चाहिए था। अगर इसे पॉट में लगाते हैं तो आप इसकी मिट्टी जो है थोड़ी पोरस लें, भुरभुरी लें, रेतीली मिट्टी लें, तो ये ज़्यादा अच्छे से चलेगा। ये गर्मी में थोड़ा ज़्यादा पानी मांगता है, लेकिन अगर कम पानी भी देते हैं तो ये सर्वाइव आसानी से करता है। अगर कम पानी देते हैं तो भी ये प्लांट थोड़ा ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करने का चांस रहता है, बहुत आसानी से कम पानी की वजह से ये नहीं मरता है। कोई भी कॉमन प्लांट को स्पेशल बनाना हो तो हमें बस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा पॉट दें, अच्छा केयर करें, अच्छा शेप दें, अच्छा लोकेशन रखें, तो आपका कॉमन सा प्लांट बिल्कुल खास बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे जानकारी कैसी लगे मुझे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में दूसरे प्लांट के साथ।